मनोज वर्मा हमारे संवाददाता, लगातार जो कुछ भी पंचकुला में हुआ उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। रहीम को दोषी करार दिया गया है, उसके बाद से ही पुलिस एक्शन में आ गई थी, पैरामिलिट्री फोर्स एक्शन में आ गई थी, और ये था कि जो लोग यहां पर मौजूद हैं उन्हें किसी तरीके से यहां से बाहर निकालना है, और यहां पर फोर्स को इस्तेमाल किया गया और सभी को यहां से खदेड़ दिया गया। ये देखिए, लोग जिस वक्त यहां से भागे होंगे अपना सामान छोड़कर भागे हैं। इतना ही नहीं, यहां पर भी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। आप देख सकते हैं, ये सामने जिम खाना क्लब है, सेक्टर 3 पंचकुला, सामने गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में तोड़फोड़ की है। इतना ही नहीं, मेरे सीधे हाथ की तरफ जो आप ये ट्रक देख रहे हैं, इन ट्रकों में भी उन्होंने तोड़फोड़ की है। ये देखिए तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि किस तरीके से यहां पर तबाही हुई है, और आपको जिम खाना क्लब के अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार आपको दिखाएंगे कैमरा, ये अंदर जिम खाना क्लब की तस्वीरें। अंदर क्लब में कोई भी नजर नहीं आ रहा है, हर कोई यहां से गायब है, और जिस वक्त बताया जा रहा है कि यहां पर लोगों में भगदड़ मची, जब पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने अपना एक्शन शुरू किया, उसके बाद देखिए तस्वीरें, लोग खाने का सामान लेकर आए थे अपने साथ, कई दिन का खाने का सामान लग रहा है ये, कि ऐसा था कि उनको ये था कि कई दिन तक बैठना पड़ सकता है, तो उसके मुताबिक उन्होंने कई दिन का सामान लिया हुआ था। और ये देखिए, ये बड़े बड़े पत्थर, ये देखिए पत्थर, और इस गाड़ी की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो बाबा के समर्थक थे उन्होंने यहां पर तबाही मचाई है। और ये है जिम खाना क्लब के अंदर की तस्वीरें, जो जैसा था वैसा छोड़कर यहां से लोग भागे हैं। ये देखिए, ये जिम खाना क्लब के अंदर की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, और यहां पर कोई भी नहीं है, एकदम सन्नाटा पसरा है इस जगह पर। कल तक जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, अब यहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, सबको पंचकुला से बाहर भेज दिया गया है, और इस वक्त यहां पर कोई भी नहीं है, बाबा का कोई भी समर्थक इस वक्त पंचकुला में मौजूद नहीं है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज पंचकुला। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।